एक्चुअली रोडीज़ ना मेरी लाइफ में बहुत फ्लूक में आया, क्योंकि मैं तब स्टूडेंट थी पूना में, मैं सिम्बायसिस में पढ़ाई कर रही थी, और मेरे जो दोस्त थे वो रोडीज़ के लिए बहुत पागल थे। इनफैक्ट उसमें से ऐसे 3 लोग थे जो उस साल दिल्ली स्पेशली ऑडिशंस देने के लिए गए थे लाइन में खड़े रहने के लिए। बट उस साल ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ दंगे हो गए दिल्ली में, तो उन्होंने वहाँ दिल्ली और बॉम्बे के ऑडिशंस कैंसिल कर दिए और उन्होंने ऑनलाइन कर दिया उस साल के लिए उसे। मेरे घर पे इंटरनेट था, बिकॉज़ हमारा सबसे बड़ा उस वक्त 3 BHK था, हम 6 लड़कियां रहती थी स्टूडेंट्स, हमारे घर पे सब एमिनिटीज़ थी, तो सब मेरे दोस्त आके मेरे घर पे फॉर्म जो होता है रोडीज़ का वो फिल कर रहे थे, तो सब ने फिल कर दिया। एंड उन्होंने ज़बरदस्ती में, अरे तू भी कर दे, तू भी कर दे, बहुत मज़ेदार फॉर्म है, भर दे, देखते हैं। तो फाइनली मैंने भी ऐसे ही भर दिया और मुझे ही कॉल आया खाली, और फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा और बहुत गालियाँ सुनाई, बट फाइनली मैं ऑडिशन के लिए गई और रोडीज़ हुआ। एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट तब मेरे तब एक्चुअली मैंने शो बिज़नेस ज्वाइन करना है उस हिसाब से नहीं किया था, बस ऐसे ही मस्ती में किया था। शो बिज़नेस हैपेंड लेटर, आई थिंक रोडीज़ के बाद कुछ कुछ ऑफर्स आने लगी, बट मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की पहले 2-3 साल, फिर मैं बॉम्बे आई एंड उसके बाद शो बिज़नेस का कीड़ा धीरे धीरे लग गया मुझे। एक्चुअली मुझे डर तो बहुत लगा था, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि ना जाऊं इंटरव्यू के लिए, बिकॉज़ मेरे डैड ने मुझे बोला कि कैसे शो में जा रही है, एक तो वहाँ बहुत बेइज्जती होती है लोग की, और तुम MBA करने वाली हो, तुम प्रोफेशनल बनने वाली हो, ये सब सूट नहीं करता तुम्हें। और पता चला उन्होंने बेइज्जती भी कर दी, फिर तुम्हें चूज़ भी नहीं किया, तो यू नो और ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारी। तो बट आई थिंक मेरे कुछ एक दो दोस्त थे जिन्होंने मुझे रियली पुश किया, उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू जाए और तू सिलेक्ट ना हो, मतलब उनको मुझ पे मुझसे ज़्यादा विश्वास था। एंड आई थिंक दे पुश्ड मी, जो आज भी मेरे साथ, उनमें से दो दोस्त मेरे रहते हैं, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ। सो या मेरे दोस्तों ने काफ़ी पुश किया, एंड दे लाइक कर 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 कर, आई नो यू आर बॉर्न फॉर दिस, यू विल डू वेल, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत इनक्रेज किया, एंड दैट्स हाउ आई वेंट, और फिर तो हो गया था। एक्चुअली मैंने अपना MBA ख़त्म किया, रोडी से वापस आई, फिर मैंने 2 साल MBA किया, और उस दौरान मेरे एक फ्रेंड थे पूना में जिन्होंने मेरा पोर्टफोलियो शूट किया, ऐसे मज़े मज़े में हमने कर लिया, और जस्ट रोडीज़ का फेम आपको मिलता है नया नया, और मैंने वो पिक्चर्स पोस्ट कर दी ऑनलाइन, तो वो थोड़ी वायरल सी हो गई पिक्चर्स उस दौरान, तो मुझे काफ़ी TV और पर्टिकुलरली एड फिल्म्स के लिए काफ़ी ऑडिशंस के लिए कॉल आने लगे। बट मैं तो पूना में रहती थी, सो कोई सीन ही नहीं था मेरा कि मैं जाऊँ, तो मैंने उस वक्त सोचा नहीं, और मेरे डैड ने भी बहुत फोर्स किया था, तुझे लाइफ में जो करना है तो कर, बट पहले MBA ख़त्म करो, पहले पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। सो मैंने MBA ख़त्म किया, थैंकफुली तब तक थोड़े बहुत फिर भी कॉल्स आ रहे थे मुझे, तभी भी 2 साल बाद भी ऑडिशन के, और मैं 1 हफ्ते के लिए मेरे एक फ्रेंड के घर बॉम्बे गई कि एटलीस्ट ट्राई करती हूँ, देखती हूँ ऑडिशन क्या होता है। मतलब कभी लाइफ में मैंने एक्टिंग नहीं की थी, मैं डांसर हमेशा से थी, बट एक्टिंग एज सच मैंने कभी पहले उससे की नहीं थी। सो आई वेंट फॉर माई फर्स्ट ऑडिशन, जो एक फेयर एंड लवली एड का ऑडिशन था, और आई गॉट सिलेक्टेड। और उस वक्त यू नो नया नया हम ज्वाइन करते हैं, आपको यू नो एकदम से फर्स्ट जॉब आपको मिल जाती है, तो आप वैसे ही थोड़े ऐसे सातवें आसमान पे चला जाते हैं, अरे वाह ये तो बहुत आसान है, बाद में पता चलता है कितना मुश्किल है, बट शुरू में छोटी सी छोटी छोटी चीज़ें जब मिलती हैं तो बहुत मज़ा आता है। और एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया तब मुझे बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ सुजीत सरकार एक्चुअली डायरेक्ट कर रहे थे वो एड, और मेरे साथ बहुत ही कोई बहुत बड़ी मॉडल थी, इट वॉज़ हम 2 लड़कियाँ थी एड में। सो मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली उस दौरान, सिर्फ उस शूट के फ्रॉम एक्शन टू कट के बीच में मुझे बहुत मज़ा आया। सो दैट वाज आई थिंक जब मुझे लगा कि नहीं यार इसमें कुछ तो बात है, लाइक मैं कोई कोई भी बन सकती हूँ, उस 1 मिनट उस कुछ सेकंड के दौरान मैं कुछ भी बन सकती हूँ, और वो एक थ्रिल था जो आई थिंक कहीं ना कहीं चिपक गया मेरे साथ। मेरी मॉम काफ़ी सपोर्टिव थी आई वुड से, मेरे डैड थोड़े से कंजर्वेटिव हैं इस मामले में, बट मैं उनको एक चीज़ का ज़रूर बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी कि वो मेरी मम्मी की सुनते हैं, तो बहुत बार तो मेरी मम्मी ने उनको चुप करा दिया कि करने दो एटलीस्ट यू नो सारी ज़िंदगी, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से हूँ, भिलाई नाम के छोटे शहर से, तो अभी वो जा रही है खुद से कर रही है, ऐसा नहीं है कि यू नो वो तुम पे डिपेंडेंट है, या वो खुद ही कर रही है जो कर रही है, और ढंग से कर रही है, अपनी शर्तों पर कर रही है, तो बिलीव करो जब तक हो रहा है होने दो। सो दैट्स हाउ माई डैड भी फिर मान गए कि हाँ चलो यू नो इट्स अ डिफ़िकल्ट, इट्स अ वेरी छोटे शहरों में क्या होता है, माना जाता है कि ये बहुत अच्छी फील नहीं है,
यू नो स्पेशली फॉर अ गर्ल, बीइंग अ गर्ल आपकी शादी कर दी जाती है बहुत जल्दी, एटलीस्ट लड़के यू नो देखने शुरू हो जाते हैं और वो सारा सीन शुरू हो जाता है आपका. तो ऑफकोर्स मेरे डैड के भी कुछ ऐसे ही सपने थे, तो काफ़ी झगड़े भी हुए, काफ़ी रिटेलिएशंस भी हुए, बट समवेयर आई वुड से कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो मेरी हर चीज़ माफ़ कर देते हैं. मेरे एक्चुअली दो इंस्पिरेशंस रहे हैं हमेशा से, और दो बहुत डिफरेंट रीजंस के लिए. एक है तबू, क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं. उन्हें मुझे सिर्फ देखना पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर शायद मैं उनसे कभी मिलूँ, मैं सिर्फ अपने फ़ोन का कैमरा ऐसे चुपके से रख के उनकी तरफ रख दूँगी. बिकॉज आई थिंक वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं कि उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रॉप्स की लाइंस की ज़रूरत नहीं है. उनका तरीका, उनका लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर कैरेक्टर के साथ वो जिस तरह जो स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी, जबकि वो बहुत ऑर्डिनरी हैं देखा जाए तो. शी इज़ नॉट अ मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, वो एक ऑर्डिनरी औरत होते हुए भी इतना पावरफुल लगती हैं वो स्क्रीन पर कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड थी हमेशा, क्राफ्ट वाइज. एंड ऑल्सो प्रियंका चोपड़ा, मुझे लगता है वो बहुत बहुत डिटरमिंड है, और इनफैक्ट उनकी वजह से शायद मैं ये जो 3-4 साल टिक पाई हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड होके, बिकॉज वो लगी रहती हैं, वो छोड़ती नहीं है, शी नेवर गिव्स अप, और वो कंटिन्यूसली अपना टैलेंट बेटर करने की कोशिश करती है, कुछ नया करने की कोशिश करती हैं. बहुत बार क्या होता है, आप जब एक पीक पे पहुँच जाते हो तो आप थोड़े से वो हो जाते हो, मेलो डाउन हो जाते हो कि अब तो भैया पिक्चरें आनी हैं, अब तो अच्छे एक्टर्स के साथ पिक्चरें मिलनी है. बट विथ प्रियंका है वो केस नहीं है, वो कभी भी अपने एक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा खुद पे ही काम करती हैं और खुद ही धीरे धीरे बेटर होती जा रही हैं. एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स तो मिले थे, और वो किरदार भी एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, बिकॉज वो मेरा अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है. एज एन एक्टर मैंने पहले कभी कॉमेडी नहीं की थी, वो भी इतनी यू नो इतनी लाउड कॉमेडी, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर में जो काइंड ऑफ नेगेटिव था, देखा जाए तो वो इन अ वे विलेन थी मूवी की, यू नो. हाँ, सो वो विलेन ही थी, और मेरे पर्सनल जैसी मैं हूँ इन रियल लाइफ उससे बहुत डिफरेंट था, तो मेरे लिए एक बहुत कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने वाला किरदार था. तो हाँ, काफ़ी क्रिटिक्स ने इनफैक्ट कुछ लोगों ने बहुत ही ख़राब बोला, कुछ लोगों ने बट जिनको अच्छी लगी उनको बहुत अच्छी लगी, जिनको बुरी लगी उनको मैं बहुत बुरी लगी. सो आई थिंक काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, बट पर्सनली मुझे कुछ एक्टर्स टीवी के जो जिनसे मैं एक्चुअली ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती, बट जो भी मिले और जिन्होंने फिल्म देखी, क्योंकि लोगों ने फिल्म बाद में देखी बिकॉज बॉम्बे में ज़्यादा अच्छी रिलीज़ नहीं थी मूवी की, तो मुझे बाद में काफ़ी SMSs और ट्विटर्स पे बहुत मैसेजेस आज तक आ रहे हैं, जो लोग आज तक देख रहे हैं कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था. एंड एक्चुअली एक 7 साल की बच्ची थी, एक मुझे एक पार्टी में एक बहुत ही एक लेडी मिली, एंड शी उन्होंने लिटरली मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी नारी बनना चाहती है आपकी वजह से. मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, उसने आपकी मूवी देख ली और उसके बाद से वो एक तो वैसे ही उसको पढ़ने का शौक नहीं है, अब तो उसने और पढ़ाई छोड़ दी कि मैं नारी की तरह मैं सिर्फ शादियां करूंगी और मैं लड़कों को बेवकूफ़ बनाऊंगी और मैं लाइफ में ऐसे ही सेट रहूंगी. उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है बोल के कि अब मुझे नारी बनना है. तो हाँ, इन अ वे मैं थोड़ा मुझे डांट भी पड़ी उस वजह से, बट मज़ा भी आया कि चलो यू नो इतना मज़ेदार कैरेक्टर था कि किसी तरह लोगों को पसंद आया भी है, एंड इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी, सो इट वॉज फन. वेल, ऐसी तो काफ़ी पर्सनालिटीज़ हैं, बट आई वुड लाइक टू डू कोई ऐसी चीज़ जो आज तक हुई ना हो, जैसे मैरी क्यूरी, यू नो दो शी इज़ अ साइंटिस्ट, बट ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक होगा बॉलीवुड के लिए, बट मुझे ऐसी चीज़ें ही पसंद है जो आज तक ना हुई हो. इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ, सो आई वुड से यार डेफिनेटली एक साइंटिस्ट प्ले करना लाइक मैरी क्यूरी, और मे बी समबडी लाइक इंदिरा गांधी, अगर हमारे देश से मैं देखूँ, जो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रही है, फीमेल पर्सनैलिटी रही है हमारे देश की. सो या आई थिंक, बट वो एक आई थिंक वो मुझे एक एज के बाद सूट करेगा डेफिनेटली. बट हाँ, काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो मैं प्ले करना चाहूँगी. इनफैक्ट मुझे अगर बायोपिक मिले किसी एक्ट्रेस का प्ले करने को हमारी इंडस्ट्री से, आई वुड लव टू प्ले कालकी. कालकीज़ लाइफ, आई थिंक कालकी की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, एंड शी इज़ वन ऑफ दोज वुमेन हु हैज़ ऑलवेज, वो हमेशा अपने टर्म्स पे चीज़ें करती हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो नहीं करती जो एक हर एक्ट्रेस और हर
एक्टर को यहाँ पे फॉलो करने दिया जाता है कि ऐसी फिल्में करो, ऐसी चीज़ें करो. वो हमेशा अपने तरीके से चीज़ें करती हैं और वो उसी तरह से आगे बढ़ रही हैं. वो थिएटर भी करती हैं, वो 10 चीज़ें करती हैं. तो आई थिंक हाँ, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्ट्रेसेस भी अब बन रही हैं जिनके जिनकी लाइफ पे आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बन सकती हैं. मैं तो सिंगिंग हमेशा से करती हूँ. मैं बहुत बहुत ही अच्छी बाथरूम सिंगर हूँ इनफैक्ट. पर और मैं गिटार भी बजाती हूँ. लाइक मैं गिटार बजाना सीख रही हूँ, तो मुझे ऐसे पर्सनली गुनगुनाने का अकेले में बहुत शौक है. तो डेफिनेटली अगर कभी मौका मिले, इनफैक्ट एक बार मिला था बट बदमाशिया में ही. इनफैक्ट एक गाना है थोड़े से हम थोड़े से तुम, तो उसका उन लोग एक अनप्लग्ड वर्जन निकालना चाह रहे थे फीमेल वर्जन में. जो बाद में जो उन्होंने मुझे शुरुआत में कहा कि वुड यू लाइक टू सिंग, क्योंकि मैं एक दिन गुनगुना रही थी उस गाने को, उनको बहुत पसंद आया. बट आई वाज लाइक गाना बहुत अच्छा है बट वो बहुत मुश्किल गाना था, उसके नोट्स बहुत हाई थे और मैं ट्रेंड सिंगर तो हूँ नहीं, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा डर गई. और फिर शिल्पा राव जी ने वो गाना गाया और उन्होंने तो मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा गाया कि मतलब अच्छा ही हुआ मैंने नहीं गाया आई थिंक वो गाना. बट आगे कभी आई थिंक अगर मौका मिले तो डेफिनेटली करना चाहूँगी. दो लाइनें अगर गुनगुना दे. चुरा लिया, बहुत कॉमन गाना है लेकिन मुझे बहुत पसंद है. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम. थैंक यू. वेल अभी ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने हाल ही में ख़त्म किए हैं, जैसे कि एक हॉरर फिल्म है भानगढ़, जो अब आई थिंक फेस्टिवल्स में घूमना शुरू करेगी. और मुझे फ़िलहाल पता नहीं, अभी टेंटेटिव नाम उसका भानगढ़ है, हो सकता है चेंज भी हो जाए. देन देर इज़ अनदर फिल्म जो अभी फॉक फिल्म फेस्टिवल में गई थी अमेरिका में एंड वॉज क्वाइट अप्रिशिएटेड, कॉल्ड जोगिया, जिसमें मेरे अलावा कीर्ति कुल्हाड़ी और भी हैं. और वो मूवी अभी फ़िलहाल आई थिंक रिलीज़ हो गया, आई थिंक फेस्टिवल्स में इट्स राउंडिंग राइट नाउ. एंड अदर देन दैट 22 यार्ड्स है बरुण सोपती के साथ जो मैंने फिल्म की है, वो अभी फिनिश नहीं हुई है. बट वी लेट्स सी, आई थिंक उसमें कुछ फंडिंग में प्रॉब्लम्स रही हैं तो कुछ वक्त से डिले होती जा रही है वो. बट वो बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट है उस मूवी की एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेके. सो लेट्स सी जब वो फिनिश होती है तो आई वुड बी रियली एक्साइटेड, बिकॉज वरुण की भी वो आइडियली फर्स्ट रिलीज होनी चाहिए थी बिकॉज वो खुद उस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड थे. आई थिंक वो उस मूवी पे पिछले 2 साल से इनफैक्ट एकदम शुरुआत से काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट लेवल से. सो इट वुड बी अ गुड प्रोजेक्ट. और उसके अलावा अभी मैं मैंने एक स्केड्यूल ख़त्म किया है एक मूवी का जिसका नाम है कानू, जो प्रभात भट्टाचार्य डायरेक्ट कर रहे हैं. ही इज़ अ टीवी एक्टर हुज़ टर्न डायरेक्टर नाउ. एंड मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम द ओनली गर्ल काइंड ऑफ कैरेक्टर इन द फिल्म. और उसमें अनुपम खेर जी हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल में और मैंने आज तक उनके साथ काम नहीं किया, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करके. और अदर देन दैट या दैट्स अबाउट इट. अभी ये चल रहे हैं और एक दो फिल्में हैं बट वो अभी तक शुरू नहीं हुई है. तो मेरा थोड़ा ऐसा वो है कि जब तक फ्लोर पे नहीं जाती ना तब तक बात मत करो, बिकॉज बहुत बार यहाँ पे आपने खुद ने देखा है कि यू नो चीज़ें डिले हो जाती हैं या शुरू नहीं होती हैं. तो एक बार शुरू हो जाए देन आई कैन टॉक अबाउट इट. शॉर्ट फिल्म्स एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स के मुझे कुछ कुछ ऑफर्स आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. और अभी तो ऐसा टाइम आ रहा है कि वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म्स यू नो इंटरनेट पे लोग स्पेशली यंगस्टर्स इंटरनेट पे चीज़ें देखना ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं. प्लस आपकी इंटरनेट पे इतनी सेंसरशिप भी नहीं होती है, तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बहुत एडवेंचरस रोल्स कर सकते हो आप इंटरनेट पे एज़ कम्पेयर टू टीवी. तो डेफिनेटली देर आर फ्यू वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म्स जिनके लिए मैं सोच रही हूँ कंसिडर करने का. अगर सब चीज़ें हो जाती हैं तो इट विल बी फन. मतलब देखते हैं, नेशनल अवार्ड की कोशिश करेंगे हम. पूरी कोशिश करेंगे. यस, मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट रहिए. आई नो मेरी जर्नी थोड़ी स्लो है बट मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जितना मुझे लग रहा है. और बहुत सारे उतार चढ़ाव ऑलरेडी हो चुके हैं और हो रहे हैं. एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक जो भी आई थिंक इस इंडस्ट्री में आना चाहता है
आई थिंक अगर आप राइट रीजंस के लिए आओ तो आप बहुत इन्जॉय करोगे. अच्छा बुरा कैसा भी वक्त हो आप बहुत इन्जॉय करोगे, और मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ. सो या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू एंड प्लीज़ आई होप आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े मेरी नेक्स्ट रिलीज़ का. मैं भी सोच रही हूँ फटाफट जल्दी सब फिल्में रिलीज़ होनी शुरू हो. सो या थैंक यू. हाय मैं हूँ सुजैना मुखर्जी और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड अड्डा.